खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूएई का दौरा किया था। हम आपको बता दें कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां अजीबोगरीब नियमों का लोगों को पालन करना पड़ता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर कई तरह के अजीबोगरीबो कानून का पालन करना पड़ता है। अगर कोई इन कानूनों का पालन नहीं करता है तो उसको यूएई पेनल कोड के तहत सजा दी जाती है। पहला कानून, संयुक्त अरब अमीरात में कोई व्यक्ति बिना शादी के किसी महिला के साथ नहीं रह सकता है, और अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा वहां पर कपल को सार्वजनिक स्थान पर किस करने, गले लगने और हाथ पकड़कर चलने पर भी बैन है। साल 2005 में ब्रिटिश के एक रेस्टोरेंट में जब एक कपल ने किस किया था तो उन्हें एक महीने की सजा दी गई थी। दूसरा कानून, यूएई में अगर आप कार चलाते हैं और आपकी कार में डस्ट है तो ये क्राइम माना जाएगा। इसके लिए आपको 3000 दिरहम तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के रेजिडेंशियल इलाके में कार को धोना भी क्राइम है। इस कानून के पीछे ये माना जाता है कि डस्टी कार से शहर की खूबसूरती बिगड़ती है और कार में लगी डस्ट लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा कानून, यूएई में किसी को फांसी देने के तरीके भी अजीबोगरीब है। यूएई में किसी भी गुनहगार को 3 तरह से फांसी दी जाती है। पहला, सार्वजनिक स्थान पर गोली मारकर फांसी देना। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर पत्थर मारकर मौत की सजा, और इसके अलावा फांसी पर लटका कर भी मौत की सजा दी जाती है। संयुक्त अरब अमीरात में मौत की सजा देने के तरीके पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। चौथा कानून, संयुक्त अरब अमीरात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ खाने और पीने पर प्रतिबंध है। अगर आप स्टेशन, मेट्रो, बस या पैदल मार्ग पर कुछ खाते या पीते पकड़े जाते हैं तो आपको 100 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है। इसके अलावा रमजान के महीने में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी को कुछ भी खाने और पीने की इजाजत नहीं है। अगर आप मुसलमान नहीं है तो भी आपको इस कानून का पालन करना पड़ेगा। पांचवा कानून, संयुक्त अरब अमीरात में किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेना गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेता पाया जाता है या फिर अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ वहां के साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसा करने वाले पर 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसा करने वाले को देश से निकाला भी जा सकता है। वहां किसी की इजाजत के बिना उसकी फोटो लेने को प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ माना जाता है। तो ये थे यूएई के अजीबोगरीब रूल्स। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।